अर्पिता ने कबूला पार्ट फ्लैट्स में कैश रखते थे, दूसरे घर से 28 करोड़ कैश और गोल्ड जब्त। बोली इतनी रकम का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता के मंत्री पार्ट के करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला है, साथ ही 5 किलो गोल्ड भी जब्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार शाम को बेलघरिया स्थित उनके दूसरे फ्लैट रेड शुरू की, जो गुरुवार तड़के तक चली। कैश के बारे में पूछे जाने पर अर्पिता ने कहा कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने कहा कि पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा। ईडी अधिकारियों ने कहा, इससे पहले कभी अर्पिता ने नहीं बताया था कि उनके दूसरे फ्लैट पर भी कैश रखा हुआ, लेकिन जब हमने घर पर छापा मारा तो हमें 2000 और 500 के नोटों के बंडल मिले। 2000 रुपए के नोटों से 50 लाख रुपए के बंडल और 500 रुपए के नोटों से 20 लाख रुपए के बंडल बनाए गए थे। हमें 4.31 करोड़ रुपए का सोना भी मिला। इसमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, 6 कंगन, 500 ग्राम के और 1 सोने का पेन भी मिला। ईडी सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे तक चली रेड में अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरी भी मिली, जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड कोड वर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसी ने घर से 2600 पेज का एक दस्तावेज भी बरामद किया, जिसमें पार्थ और अर्पिता की ज्वाइंट प्रॉपर्टी का जिक्र। अर्पिता के दो फ्लैट से मिल चुका है 49 करोड़ कैश, पर नहीं चुका पाई है 12,000 मेंटेनेंस। अब तक अर्पिता के दोनों घरों पर 44 घंटे की रेड हुई है, जिसमें करीब 50 करोड़ कैश और बड़ी मात्रा में रिकवर किया जा चुका है। ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित दो फ्लैट में से एक को सील कर दिया। एक फ्लैट के आगे सोसाइटी का नोटिस भी चिपका हुआ है, जिसमें लिखा है कि अर्पिता ने मेंटेनेंस के लिए 11,819 रुपए नहीं चुकाए। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।